फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त मनोज। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट दूंगा जो कि कॉपीराइट के बारे में है, जो जैसे कि जो भी स्टूडियो वाले सब है, जो टी सीरीज वाला हम लोगों को अभी कॉपीराइट जो डाल रहा है, तो उसके ऊपर मैं आपको दो तीन स्क्रीनशॉट दूंगा। वो स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर वीडियो को पॉज करके देख लेना। और दूसरी बात जो रही बात ईडीएस की, तो ईडीएस में जो है टैक्स को, जो टेक्स्ट होता है उसको हम जो है इधर से उधर, जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या फिर ऊपर डाउन कैसे करेंगे, ये बहुत सारे लोगों को सवाल था जिनका जवाब मैं दे रहा हूँ और करके भी दिखाऊंगा साथ में। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो कहीं पर भी जो है, जैसे कि ये सीक्वेंस है, चाहे यहाँ पर बिन है, चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी हो, ये टाइटल ट्रैक है, ठीक है। ऑडियो हटाते हैं, इसको चेंज चेक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, न्यू क्लिप लिखा है, यहाँ पे क्यूब टाइटलर है, क्यूब टाइटलर पे क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने को लिखने का है, जो भी लिखने हैं, मैं यहाँ से अपना ही चैनल का नाम डालता हूँ, मनोज वीडियो मिक्सिंग, ठीक है। आगे मैं भी लिख देता हूँ PYNT, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने लिख दिया, इसको कहाँ रखने का है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर लेना इतने पे, और इसको इधर रख लेना। और इसमें कलर चेंजेस वगैरह जो करने का है, तो यहाँ से जो है, मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वाइट डालता हूँ, प्योर वाइट जो होता है वो, ठीक है। और कलर यहाँ से एक ही सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जो कलर है, यहाँ से जितना, मतलब कि जितना ये खाने बने हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, सातों में अलग अलग कलर डाल सकते हो, और सातों का कलर अलग अलग आप करा सकते हो। एक तो आप यहाँ से ले सकते हो, बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ है नीचे में ये सब। इस पर भी अगर मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो अगर हम इस पर डबल क्लिक मारते तो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाता है, जिस पर भी डबल क्लिक मारोगे वो अप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पर उसकी कलर आ जाएंगे, कितने कलर इस पर यूज हो रखा है। जैसे इस पर एक ही कलर यूज हो रखा है तो एक ही आएंगे, जिस पे जितना कलर यूज हो रखा रहेगा वो उतना ही आएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन वगैरह भी आप यहाँ, ये जो हम घुमा रहे हैं इसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे को ये हो गया, ये फॉन्ट चेंज कहाँ से होगा, तो फॉन्ट चेंज करना बहुत ही आसान है, ठीक है। कंट्रोल ए कर लीजिए, और यहाँ से जो है, नहीं भी करोगे आपकी इच्छाएं हैं भैया, तो इस पर एक बार क्लिक मारिए, और जो एरो बटन होता है ना, चार एरो बटन जो अपने राइट साइड में, जहाँ पे एरो बटन होता है, बैक स्पेस के नीचे उसके राइट साइड में एरो बटन होता है, वहाँ पे चार एरो बटन होता है, लेफ्ट राइट जो भी करना होगा आप जो है अप डाउन करके जो है फॉन्ट, आप जैसे कि मैं भी फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे फॉन्ट है आप इसमें चेंज करा सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला, ये फॉन्ट मुझे पसंद आया, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉन्ट को यहाँ से साइड में पकड़ के जो है छोटा कर लूँगा अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया, जो नीचे वाला फॉन्ट है इसमें टेक्सचर फाइल लोड है, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा फाइल साइज हो गया है, फॉन्ट हो गया बड़ा। तो मान लीजिए कि मैंने इतनी बड़ी कर ली, हाँ अपना रिसाइज कर लिया, और ये सेव कर दिया, अब ये मेरा फॉन्ट जो है सेव हो गया। तो एक तो ये हो गया, आपने देख लिया। अब इसी को जो है राइट टू लेफ्ट कैसे करेंगे, तो इस वाले फॉन्ट पर डबल क्लिक करते हैं, ये खुल जाएगा। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ना टाइटल टैप, तो यहाँ पे स्टिल है, तो यहाँ से ये आपने करने हैं, ये लिखा है ना क्रॉल टू क्रॉल फ्रॉम राइट, आप यहाँ से फिर से सेव कर दीजिए। अब ये चलने लगेगा, ये देखिए, लेकिन ये बहुत तेज में भाग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 4 सेकंड का, जितना बड़ा आप कर दोगे उतना ही इसकी स्पीड स्लो हो जाएगा। ये देखो बेहतरीन फॉन्ट, अच्छा है। ये फॉन्ट वगैरह मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग चाहो तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस पे ऊपर वीडियो रख देते हैं, तो आप ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट आ गया है,
ठीक है। अब इसी फॉन्ट को अब दूसरा फॉन्ट लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको कट करते हैं, मेरे को नहीं चाहिए। अब यहाँ से दूसरा फॉन्ट पे न्यू फॉन्ट बनाते हैं और क्यूब टाइटलर में जाते हैं, बनाते हैं। हालांकि ये सबको पता है और कंट्रोल भी कर देंगे तो यही फॉन्ट यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि एक भाई दो भाई ने कमेंट किया था तो मैंने वाकई में यार मैंने कभी ये फॉन्ट के ट्यूटोरियल बनाया नहीं था तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, और इसकी ज़्यादातर से रिक्वायरमेंट थी। अब जो है मैं यहाँ से क्रॉल टू राइट लिखा हुआ है, इसको जो है मैं क्रॉल टू मतलब कि क्रॉल फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये जाएगा। तो अभी देखिए, ये देखो तो ये वाला जो फॉन्ट है, ये वाला जो फॉन्ट है इधर से आएगा। अगर मान लीजिए टाइटल ट्रैक को मैं एक टाइटल ट्रैक जो है मैं बढ़ाता हूँ तो इस टाइटल को मैं इधर रखता हूँ तो देखना सेम बराबर ही साइज करने का है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। ये देख, ये देखिए दोनों एक इधर से आ रहे हैं जी, एक इधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना टाइटल हो गया, इस टाइटल पर डबल क्लिक मारा, राइट क्लिक किया, एग्जैक्ट टेक्स्ट में गया और यहाँ पे जो है यहाँ टेक्चर फाइल लोड है, मैं टेक्चर फाइल को नहीं हटा देता हूँ और यहाँ से वाइट में ले लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। सेव किया, ये वाइट में आ गया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं ऊपर में, यहाँ पे गया। आप ये जो है अब F7 दबाएंगे और इस टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने के लिए बस इसको मैं इतने पे मान लीजिए कि करता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं जो हूँ कुछ लाइट इफ़ेक्ट्स वगैरह लाता हूँ, लाइट इफ़ेक्ट्स, मान लीजिए यही वाला ले लिया, इस पर लेयर मैंने भरा किया। आपने देखे होंगे जो लोग टाइटल डिजाइन करते हैं वो लोग इसमें ज़्यादा ही ज़्यादातर से बनाते हैं, इस पर हमने ये देखिए ज़्यादातर से आपने यही देखा होगा, ये दूसरा सीक्वेंस पर रखोगे तो ये ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। ये देखो आपने ज़्यादातर से ये लोगों को देखा होगा बहुत जगह कि ऐसे ऐसे चल रहा होता है, तो उसकी वजह यही होती है कि उस पर जो है ट्रैक मैट अप्लाई किया जाता है, क्योंकि नीचे ये वाला जो फिल्टर है ये वाइट है, ये वाला हमारा कलरफुल है तो ये इसमें मर्ज हो गया। अगर हम इसको अनेबल करते हैं तो ये भी इसी में चला जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो ये टाइटल जो है ये दूसरे ट्रैक पे रखा जाता है, जैसे कि मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स सीक्वेंस, कंट्रोल भी, इसको इसको बंद करता हूँ, इसको भी करता हूँ बंद, ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब आप देखोगे कि ये भी चलेगा, ये देखिए इस पर जो है अपना को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ओके। अब देखिए इस पर जैसे भी आपको कलर चेंज करने का है आप कर सकते हो, ये सिर्फ जो है ये ट्रैक मैट के ही थ्रू बन सकता है और किसी कुछ किसी भी बिना ट्रैक मैट का ये इफेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है।
और मेरे पास होगा कोई कलर इफेक्ट तो दिखाता हूँ। कलर इफेक्ट मिल जा भाई। हाँ ये वाला भी ले लेते हैं। ये देखिए जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्रोल डाउन भी देख लिया और ये भी चीज़ आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि कैसे बनते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं यार ब्लैक एंड वाइट कैसे बनाओ। तो भाई ब्लैक एंड वाइट के लिए एक तो ये डायरेक्टली मोनोट्यून पकड़ो और छोड़ दो, ठीक है। तो मोनोट्यून पे होता क्या है, मोनोट्यून ट्यून जो है ये अपने इसकी ब्लैक एंड वाइट ये है। यहाँ से मैं मोनोट्यून को हटाता हूँ। मैनुअली ब्लैक एंड वाइट कैसे करते हैं अपने को, यार ये मोनोट्यून ये वाली है, इसको डिलीट करते हैं और ये हमारा कलर बैलेंस है। इसको खोल के ये क्रोमा जो है ना, क्रोमा को माइनस कर देना, ठीक है। अब ब्राइट को थोड़ा सा बढ़ा देना और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा मतलब प्लस में कर दोगे तो आपकी जो ब्लैक एंड वाइट की जो देखने की क्षमताएँ होगी यहीं से आप देख सकते हो। ये देखिए ये हमारा पहले क्या है, ये कलर है और ये ब्लैक एंड वाइट है। तो आप यहाँ से देख करके फुल यहाँ से कर देने का। तो यहाँ पे देखिए मान लो कि मैं इस वीडियो को ऊपर इसको ले जाता हूँ, F7 दबाता हूँ और यहाँ से यहाँ पे ये वाली वीडियो को ही मान लो मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ कि मिक्स कैसे करते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिक्स करने के लिए जो है इसी क्लिप को ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और इस पे इस क्लिप पे जो भी एक मिनट मोनोट्यून था ना, इस पे हट गया मोनोट्यून। अब इसी क्लिप पे मोनोट्यून लग गया, मोनोट्यून को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, मोनोट्यून को कर दिया डिलीट। अब इस पे मेरा कलर बैलेंस है तो कलर बैलेंस हमने इस पे डाल देने का, ठीक है। तो इस पे F7 दबाएंगे और ये जो है ना लेफ्ट वाला लेके चलेंगे। मान लीजिए ये गर्ल है, वहाँ गर्ल के पास यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, इतने पे रहन दो, नहीं तो यहाँ पे जो है ना इसको हम, हाँ ठीक है 55 ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, नीचे वाला मोनोट्यून को अनचेक कर देते हैं। तो आप ऐसे भी करके मिक्स करा सकते हो। तो ये हार्ड एज आ गया, ये वाला जो है इस पर हार्ड आ गया मतलब। तो इस पर क्या करने का है अपने को, यहाँ पे सॉफ्ट है, सॉफ्ट जो है यहाँ से 20% कर देने का। तो ये जो है थोड़ा सा किनारे इसका सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे भी देखोगे क्योंकि सेम ही वीडियो है तो आधा ब्लैक एंड और आधा ब्लैक एंड वाइट आपको दिखेगा। अब मैं आपको ये वाला जो है, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इसको जो है सॉफ्ट को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला पे मैं मोनोट्यून लगा था, इसको अनेबल करता हूँ। ये देखिए यहाँ से जो लाइन दिख रही है, यहाँ से लाइन के राइट साइड में जो है जो हमारा कलर बैलेंस से मोनोट्यून बना है वो है, और लेफ्ट साइड वाला जो है जो ब्लैक एंड वाइट है वो डायरेक्टली मोनोट्यून से हो गया है। तो यहाँ से लाइन दिख रहा है ना, ये लेफ्ट साइड वाली आँखों की तरफ से, इससे जो है इधर फेस पे इसका जो है वो हमारा मैंडली है कलर बैलेंस के थ्रू। क्रोमा हमने घटा दिया, थोड़ा सा एडजस्टिंग किया, तो ये जो है ये प्योर दिख रहा है और ये लेफ्ट साइड वाली जो है थोड़ा सा कम दिख रहा है। हालांकि आप लोग जब ये वीडियो को फुल HD में देखोगे तो आपको ये बातें समझ में
आएंगी, ठीक है। जैसे कि यही वीडियो है, ठीक है, और इस वीडियो को मैं F7 दबाता हूँ, यहाँ से मैंने क्रॉप कर रखा था, ठीक है। अब इस पे मैंने मोनो ट्यून को ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ी सी गर्ल की, ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से, क्योंकि मैंने ये मोनोट्यून पे ये ऑप्शन होता है कलर बैलेंस में कि देखने के लिए पहले कैसे था अब कैसे, तो यह जो राइट लेफ्ट साइड में जो है वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है जो हमारी मोनोट्यून के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिन भाई ने पूछा था उनको पता चल गया होगा कि क्या होता है नहीं होता है। मोनोट्यून पर डबल क्लिक करना, यहीं से प्रीव्यू अपने को देख लेना, लेफ्ट टू राइट देखना चाहते हो या फिर ऊपर नीचे देखना चाहते हो आप ऐसे भी देख सकते हो, पर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर दिखता है, ठीक है, ये वाला जो है ज़्यादा बेटर दिखता है। तो टेक्स्ट वाला जो है, टेक्स्ट का भी हो गया, ये भी हो गया। यार मैं सोचता रहता हूँ, प्रीमियर प्रो मैंने इंस्टॉलेशन भी कर लिया है और मैंने आप लोगों को भी प्रीमियर प्रो दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ प्रीमियर, यार प्रीमियर प्रो 2017 मैंने आप लोगों को भी दिया है और मैंने खुद भी लिया है। तो मेरा तो ट्रायल वर्जन है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ यार, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, समझ गए। तो 4 दिन का है इसमें जो है ट्यूटोरियल बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये सब चीज़ें सारे चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है, इसमें भी। ये प्रीमियर प्रो बहुत अच्छा होता है यार, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है इसके अंदर में भी इफेक्ट है बहुत है इसमें, देख रही, लोग कहते हैं इसमें इफेक्ट वगैरह नहीं है, ये नहीं है भाई, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर जो खासियत है ना, जो बनाने वाला जिस पर डबल क्लिक मारते हैं और यही फुटेज जो है ले लेते हैं और ये सीक्वेंस में जाके सीक्वेंस बना देते हैं। ये देखिए सीक्वेंस बन गया हमारा, सीक्वेंस बन गया। अब इस पर भी जो है लोग बोलते हैं इसमें मोशन क्रिएट नहीं होता, यार बहुत आसान है मोशन क्रिएट करना इसमें भी, ठीक है। ये इस पर चलिए और अपने को मोशन क्रिएट करना है तो सबसे पहले जो है स्केल को चल जाए भाई, ये 100% है ना, इसको 50% डाल देते हैं, ठीक है। स्केल को 50% मैंने कर दिया, तो यहाँ पे जो है चलो इसकी वीडियो, यार इसी वीडियो में बताऊंगा तो फिर तो हो गया, बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्केल यहीं से होती है, इसका भी स्केल होता है, फिर आप इस वीडियो को भी पकड़ के ले जा सकते हो इफेक्ट पॉइंट, यहाँ से जा करके मोशन में जाने के बाद जो है कि जहाँ पर भी आपको रखने का है यहाँ रखना है, ये सेम टू सेम FCP की तरह काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ जाने का है, अरे भाई पका जा, अब यहाँ पे जाने का है, ये की फ्रेम यहाँ लग गया, यहाँ पे जाने का है, यहाँ लेके जाइए और ये देख लो लाइन लाइन से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये की फ्रेम जेनरेट हो रहा है। फिर यहाँ पे गए, फिर इसी वीडियो को अपने को यहाँ लेके गए, ठीक है, और ये जो है धीरे धीरे दराजा धीरे धीरे करके बीच में ले आए और ये जो है स्केल साइज, स्केल साइज स्केल साइज 100% कर दिए। अब ये भी ये वाला जो है पोजीशन इसको पकड़ के एडजस्ट कर दिए, तो अब ये आप इसको प्ले करोगे तो आपको समझ में लग जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से स्केल साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ये देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ से स्केल जो है ना 100% कर दिया था जिसकी वजह से। लेकिन मैं इसकी ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ये मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, इसमें भी ये इसमें भी बहुत ही आसान है मास्किंग ट्रैकिंग वगैरह करना, कोई मुश्किल नहीं है। इस पर भी जो है ये मोशन वाले ट्रैकिंग जो है ये वाली, इसको फिर भी आप एडजस्टिंग कर सकते हो, जैसे भी ये जो की फ्रेम है इस पर भी एडजस्टिंग वाली जो है ये कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग सब बोलते हैं इसमें ये है वो है, बनाओगे तो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है।
तो मैंने आपको इसी बीच में जो है दो स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो कॉपीराइट का होगा, आप लोग देख लेना ठीक है। हिंदी में रहेगा वो, अखबार में से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो आपको भी समझ में आ जाएंगे ठीक।